अच्छे खासी बात नहीं है, और साथ में आप मुझे पता चल रहा है कि वो जिंदा नहीं है। आपका आदमी ले गया वीडियो, आप चाहिए तो मैं क्या कर लूंगा, और उसके बाद हमको डेड बॉडी दिया गया। बीच में आप क्या किए हमको केस रिकॉर्ड कीजिए और हमको आपको न्याय दीजिए। आप 302 में केस कीजिए, हमको हम अभी आप न्याय प्रक्रिया FIR में कर दीजिएगा सब चीज। FIR हम जो देंगे वो लीजिएगा ना, ये न्याय प्रक्रिया आप FIR में ही कर दीजिएगा। हम मान कल रात कानी बाजार के व्यवसायी सुनील कुमार की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इस मामले में आज सुबह सदर विधायक मनीष जायसवाल एक्शन मूड में दिखे। परिजनों के साथ आज सुबह सदर थाना पहुंचे, इस दौरान मनीष जायसवाल काफी गुस्से में थे। मनीष जायसवाल ने सदर DSP महेश प्रजापति के साथ बैठक की और उनका साफ कहना था कि जो पुलिस वाले इसके लिए दोषी है उन सभी लोगों पर हत्या का आरोप के तहत केस दर्ज किया जाए, अगर नहीं किया जाएगा तो वे वही थाने में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मूड में दिखा और थाने में हजारीबाग शहर के सारे DSP एवं सदर थाने के अगल बगल के सारे थानों के थाना प्रभारी सदर थाने में मौजूद रहे। भारी विरोध को देखते हुए परिजनों के आवेदन के अनुसार हत्या का केस दर्ज किया गया। बता दें इसके बाद मनीष जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह अभी इस मुद्दे को अंतिम चरण तक ले जाएंगे और इसके लिए जो भी आरोपी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वह मृतक का पोस्टमार्टम भी हजारीबाग में नहीं करवाना चाहते हैं। उन्होंने DC को आवेदन दिया है और अगर अनुमति प्राप्त होती है तो पोस्टमार्टम रांची के फॉरेंसिक टीम के निगरानी में किया जाएगा। वहीं सदर DSP महेश प्रजापति ने हमें बताया कि मामला संज्ञान में आया है, FIR भी दर्ज कर ली गई है, जांच चल रही है, जांच उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान थाने में काफी संख्या में लोग मौजूद रहे जिनके प्रशासन के खिलाफ नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही थी। इसका मतलब बीच पे क्या हो बताए, और हम आम आदमी नहीं है, हम पुलिस वाले हैं, पुलिस के कस्टडी में मौत हो रहा है, ये फैक्ट है, यही फैक्ट है। आप लेकर के गए हमको, उसका प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। और आप जांच करिए ना, हम तो खाली आपसे अभी चूंकि घटना हुआ है, शाम को रात को ये घटना हुआ है, रात के क्रम में हम लोग तुरंत इसको बैठ करके इसकी एग्जामिनेशन कर रहे थे कैसे कैसे क्या हुआ है। तो प्राइम जैसे जो दो आदमी पर हम लोग को लगा कि इसकी लापरवाही रही है और तीसरा आदमी को कैच इक्वली रिस्पांसिबल, और तीन लोग आपके यहां से गए थे जो भीतर थे, तीनों का वीडियो में फोटो है, तो तीसरा को कैच छोड़ हम लोग वीडियो है ना, चार लोग देखो तो अभी जो किए हैं ऐसा नहीं है कि मतलब वो करके रुके, ये फर्दर एग्जामिनेशन चलेगा और जहां भी हम लोग आए हैं हम लोग का मानना है कि ये आपका आदमी ले गया, मर्डर कर दिया हमारे आदमी, हम चाहते हैं कि आप उस पर जो मर्डर का सेक्शन है वो लगा दीजिए और नेगलिजेंस ऑफ ड्यूटी का लगा दीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन तो आप ही को करना है, आपको ही आपके आदमी का इन्वेस्टिगेशन करना है, मेरा उतना ही आग्रह है आपसे, हम समझना चाहेंगे, मेरा और उससे बेसिक कुछ नहीं है। एक दर्ज हुआ है सर, यहाँ कांड ऑलरेडी दर्ज हुआ है, वो आप किए होंगे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, और उस कांड में नहीं आप किए होंगे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा आदमी मरा है, हम दर्ज कराएंगे FIR, दैट्स माय राइट, आप किससे दर्ज कराए हैं ये मेरा जरा भी मानना नहीं है, हमारा आदमी मरा है, आप FIR, मेरा आदमी मरा है, आप FIR करा दीजिएगा किसी से, गाली सुनना पुलिस के हाथ से मार पड़ना, अच्छा अभी तो आपको हम सुनवा दिए, आप सुनवा दिए, चलिए हम आपको एक महीने का समय देते हैं कि जो ये बच्चा बात बोला उस पर क्या कार्रवाई आपने किया, एक महीना बाद हम आपसे फिर पूछेंगे, आज 15 तारीख है,
15 फरवरी हम आपके पास आएंगे कि आपके पलना पदाधिकारी के बारे में ये बोल करके गया क्या हुआ आपको पता है? बहुत बड़ा घटना है ये, अंडर कस्टडी डेथ का मामला है। पुलिस पता नहीं किस आधार पर कहां पर केस हुआ है ये मालूम नहीं है, कहां कांड हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन दर्ज यहां पर आनन फानन में कल किया गया है। एक गाड़ी सुना है रायपुर से चोरी हुई है किसी माल का, उसका यहां से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन यहां पर केस दर्ज करा करके कल रात में पुलिस वाले गए हैं, उस व्यापारी को उठाया गया, उसके यहाँ से कोई माल नहीं मिला है, उस पर्टिकुलर आदमी के यहाँ से कोई माल नहीं मिला है। हमको नहीं मालूम है कि वो करता था नहीं करता था, किया नहीं किया, लेकिन उसको उठा करके ले गए ये लोग और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। सिंपल है, पुलिस के द्वारा मारा गया मामला है। हम लोग इसी बात को लेकर के थाना आए थे कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस जिसको रक्षक माना जाता है उसने भक्षक का काम किया। बहुत सारे संदिग्ध इस पर मैटर, प्रश्न चिन्ह बहुत सारे हैं। गाड़ी कहां से चोरी हुआ इसका पता नहीं है, केस इस थाने में दर्ज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी और को बनाया जाता है, वहां कोई और जाता है, किस अधिकार से जाता है, क्यों जाता है, इसका कोई जवाब यहाँ के लोगों के पास नहीं था। ये लोग FIR तक दर्ज करने के लिए तैयार नहीं थे। जो दोषी पदाधिकारी हैं उनके कहने पर एक FIR दर्ज किया गया था। एक आदमी के मौत का कोई संवेदना इस थाना को नहीं था। जब हम लोगों ने अपने अधिकार की बात की तब जाकर के FIR केस रजिस्टर हुआ है 302 के तहत, 302 के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है। 302 का मतलब होता है मर्डर के तहत में ये मामला दर्ज हुआ है और हम लोग इसको इसके कॉन्सिक्वेंस तक ले जा करके रखेंगे। साथ ही आग्रह करेंगे इस थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर साहब को, बड़ा बाबू को, कि अपने मातहत लोगों को देखें, ध्यान दें। केवल लूटपाट करने वाले पदाधिकारियों का पोस्टिंग और डेप्यूटेशन यहाँ पर नहीं करें। और SP साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे पदाधिकारियों को थानों में पोस्ट करें जिनको संवेदना हो, मानव जीवन के प्रति जिनको संवेदना हो, ऐसे लोगों का पदस्थापना किया जाए, ये हम लोग प्रार्थना करेंगे।